नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों हम आज बात करेंगे विकलांगता से संबंधित अधिनियमों पर, यानी कि डिसबिलिटी के जितने भी अधिनियम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट्स हैं। कोई भी पेपर हो आपका, चाहे आप डीएड स्पेशल एजुकेशन का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देने जा रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर ये जो आपके एक्ट्स हैं ये आपके पूछे आते हैं, डिसबिलिटी से रिलेटेड एक्ट्स, यानी कि विकलांगता से संबंधित अधिनियम, स्पेशल एजुकेशन से संबंधित हैं। और जितने भी एक्ट्स यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे, इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से भी जानेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आया वो आया आपका भारतीय लुनासी एक्ट, जो कि 1912 में आया, और इसको हम बोलते हैं इंडियन लुनासी एक्ट, और कभी कभी इसका फुल फॉर्म आ जाता है ILA करके। तो आप बता देंगे कि इंडियन लुनासी एक्ट जो कि इसका फुल फॉर्म है, और 1912 में इसका गठन किया गया, ये एक्ट आया। इसके बाद में बहुत सालों बाद, ये मान के चलिए कि ये एक्ट ऐसे ही, क्योंकि आज़ादी के पहले का एक्ट था और उसके बाद में हमको आज़ादी मिली, और उसके बाद में दोस्तों एक आया एक्ट मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, यानी कि 1912 के बाद में सीधे सीधे 1987 में दिव्यांगों पर काम हुआ। इसके बीच में आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी काम नहीं, बहुत दयनीय स्थिति रही दिव्यांगों की। तो आया मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, और ये जब मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आया तो इसमें मोस्टली बात की जाती थी जो मानसिक मंदित बच्चे होते थे, जो मानसिक मंदित बच्चे होते थे इन पर। तो अब केवल मानसिक मंदित बच्चों से तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इस श्रेणी में बहुत सारे ऐसे दिव्यांग बच्चे थे जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से ग्रसित थे, मानसिक मंदता से ग्रसित थे, मानसिक बीमारी से ग्रसित थे, लेप्रोसी कर्ड से ग्रसित थे, कुछ स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं। तो फिर उसके बाद में एक एक्ट आया जो कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में आया, ये जिसको हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। और इसमें चार प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई। पहला आपका विजुअली हैंडीकैप, जिसको हम बोलते हैं दृष्टि विकलांगता, जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की दिक्कत या संपूर्ण दृष्टिबाधिता, दोनों इसके अंतर्गत आती थी, क्योंकि केवल और केवल दृष्टिबाधित कहा जाता था, विजुअली हैंडीकैप्ड कहा जाता था। श्रवण बाधिता, कानों में किसी प्रकार की दिक्कत, सुनने में किसी प्रकार की समस्या। गतिशील अक्षमता से पीड़ित, सफरिंग फ्रॉम लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और मानसिक मंदता से पीड़ित, ये चार दिव्यांगताओं का वर्णन आपका किया गया RCIA एक्ट में। और यह एक्ट भी चल ही रहा था, उसके बाद में आ गया आपका PWD एक्ट। दोस्तों एक अपना एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर अगर आप ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि DED का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2022 की बात हो रही है, तो अगर आप देना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने फॉर्म भरा है एडमिशन के लिए, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अपने GS के पोर्शन की, मैथ के पोर्शन की, और आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियोस उपलब्ध कराई जा रही हैं एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 पर। आप सब इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन भी प्रेस कर लीजिएगा, जितनी भी वीडियोज़ होंगी आपको मिलती जाएंगी। विकलांगजन अधिनियम 1995, जहाँ पर बात की गई समान अवसर की,
अधिकारों के संरक्षण की और संपूर्ण भागीदारी की, यानी कि दिव्यांगों को समान अवसर मिले, उनके अधिकार हैं उनका संरक्षण किया जाए और उनको सभी जगह पर संपूर्ण भागीदारी दी जाए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, जहां पर दिव्यांगों को 3% के आरक्षण की बात की गई, जो भी सरकारी सीट्स होंगी वहां पर 3% का आरक्षण, 3% का कोटा जो है वो दिव्यांगों को दिया जाएगा और 7 प्रकार की विकलांगताएं या दिव्यांगताएं बताई गई। देख लीजिए, पहली आपकी थी ब्लाइंडनेस, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण दृष्टि बाधित। उसके बाद में आपका लो विज़न, यानी कि अल्प दृष्टि बाधित, जिनको दिखाई दे रहा हो लेकिन उनको देखने में किसी प्रकार की समस्या हो। और पूर्ण दृष्टि बाधित में आपका जिसमें बिल्कुल भी ना दिखाई दे रहा हो। हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता। लोकोमोटर डिसेबिलिटी गतिशील अक्षमता, ये 4 आपकी हो गई। इसके बाद में आपका लेप्रोसी कर्ड पर्सन, यानी कि कुष्ठ रोग से जो ग्रसित व्यक्ति थे जिनको कुष्ठ रोग हो रहा था। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता, और मानसिक रुग्णता या जिसको हम बोलते हैं मानसिक बीमारी। तो इतने दिव्यांगताओं की चर्चा की गई पीडब्ल्यूडी एक्ट में, आपके पीडब्ल्यूडी एक्ट में इतने दिव्यांगताओं की चर्चा की गई। दोस्तों, अगर चैनल आपको अच्छा लगता हो हमारा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद में आया 1999 में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट। ये सभी फुल फॉर्म्स याद कर लीजिएगा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वो आरसीआई की हो, चाहे वो इंडियन लुनासी एक्ट हो, चाहे मेंटल हेल्थ एक्ट हो, चाहे आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो, ये सभी आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में आया और इसमें केवल और केवल 4 लोगों पर बात की गई, 4 दिव्यांगताओं पर बात की गई जो स्वलीनता से ग्रसित हों, यानी कि जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिनके हो, जिनके किसी भी प्रकार की सेरेब्रल पॉल्सी यानी कि प्रमस्तिष्क की पक्षाघात हो, जिनको मानसिक मंदता हो और या जिसको बहुविकलांगता हो, यानी कि एक से अधिक विकलांगताएं हो सकता है, मानसिक मंदता के साथ में सेरेब्रल पॉल्सी जुड़ी हो सकता है मानसिक मंदता के साथ में ऑटिज्म जुड़ा हो, तो बहुविकलांगता की बात की गई। यहाँ पर 4 प्रकार की दिव्यांगताएं आपको नेशनल ट्रस्ट एक्ट में देखने को मिली। अब हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी का नया रूप, यानी कि पीडब्ल्यूडी को अपडेट किया गया और अपडेटेड वर्जन जो आया आपका, अपडेट जो करके एक्ट आया उसका नाम रखा गया राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में ये आया। और ये 2016 में आया तो दोस्तों यहाँ पर 4% दिव्यांगता के आरक्षण की बात करी गई, यानी कि अब दिव्यांगों को 4% सरकारी सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था पीडब्ल्यूडी में तो कह रहे थे सर 3% के आरक्षण की बात हो रही थी, 1% यहाँ पर आरक्षण बढ़ा दिया गया। और 1% आरक्षण बढ़ाया गया, साथ ही साथ 14 दिव्यांगताएं बढ़ाई गई, यानी कि पीडब्ल्यूडी में आपकी 7 दिव्यांगताएं थीं, यहाँ पर 14 बढ़ा दी गई, तो टोटल मिलाकर के हमारी 21 दिव्यांगताएं हो गई आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। 21 दिव्यांगताएं, जिसमें से पहली आपके सामने ब्लाइंडनेस, जो बच्चा पूर्ण दृष्टि बाधित हो, लो विज़न, लेप्रोसी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म जिसको हम बोलते हैं बौनापन, इसके बाद में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अब हम इसको क्या बोलेंगे, पहले हम इसको बोलते थे बौद्धिक अक्षम मानसिक मंदता, अब हम इसको बोलेंगे बौद्धिक अक्षमता। इसके बाद में आपका सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल इलनेस आपका आ गया, यहाँ पर ये बढ़ाई गई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया है, किसी बच्चे को पढ़ने में समस्या, लिखने में समस्या, गणित के सवाल को हल करने में समस्या, खाना अधिक खाने की समस्या, तो ये सभी लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे थे इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया।
स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मांसपेशीय दुर्विकार, जिनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर थीं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया। एसिड अटैक विक्टिम, काफ़ी लड़कियों के ऊपर मुंह पर एसिड फेंक दिया जाता था, लड़कों कहीं पर हाथ जल गया है, कुछ भी हो गया एसिड से, तो उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर प्रावधान किया गया। पार्किंसन डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी में इंक्लूड क्या किया गया, डेफ ब्लाइंडनेस इंक्लूड किया गया। तो इतनी 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं थीं वो आपको RPWD एक्ट में बताई गई। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बता के जाइएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एग्जाम ट्रिकी 2.0 का अगर आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी में। धन्यवाद।